नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप। बिग बॉस ओटीटी विनर और यूट्यूबर एल्विस यादव फिलहाल रेप पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई करने के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। एल्विस यादव की गिरफ्तारी पर पहली बार उनके पिता अवतार यादव और उनकी माता सुषमा यादव ने टीवी पर आकर बड़ा बयान दिया है। एक चैनल पर बोलते हुए एल्विस के पेरेंट्स अवतार यादव और माता सुषमा यादव ने दावा किया कि उनका बेटा एल्विस यादव पूरी तरह से निर्दोष है। एल्विस के पिता ने कहा कि उसको फंसाया जा रहा है। पिता अवतार यादव ने यह भी दावा किया कि मेरा बेटा एल्विस यादव 1000% निर्दोष है, वो बिल्कुल गलत नहीं है, मैं अपने बेटे के लिए बीच चौराहे पर गला कटवा सकता हूँ। अवतार यादव और सुषमा यादव ने बताया कि हम एल्विस यादव से जेल में मिले हैं और उसकी हालत ठीक है, लेकिन देश के लोगों के आशीर्वाद की उसको ज़रूरत है, देखते हैं उसको कब तक जमानत मिलती है। हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, हमारी हालत बेटे के बिना ख़राब है। पिता अवतार यादव ने यह भी कहा कि नोएडा पुलिस ने नोटिस देकर बयान दर्ज करने के लिए एल्विस यादव को बुलाया था, लेकिन बुलाकर फिर वहाँ गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारा बेटा निर्दोष है। सांप के साथ जो उसकी फ़ोटो मीडिया पर दिखाई जा रही है वो एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के दौरान की है, वो भी बिग बॉस में जाने से 6-7 महीने पहले की है। हम आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर फाजिलपुरिया नाम के अकाउंट पर स्टोरी लगाकर बताया गया कि सांप वाला सीन फाजिलपुरिया के गाने की शूटिंग का है, एल्विस तो बस गेस्ट था। वहीं एल्विस के पिता ने यह भी कहा कि मुझे अपने बच्चे की परवरिश पर गर्व है, मुझे उस पर इतना गर्व है कि मैं हर जन्म में उसका पिता बनना चाहूँगा। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, वो ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता है, उसकी संगत भी खराब नहीं है। एल्विस के माता पिता ने टीवी पर रोते हुए कहा कि हम मीडिया से और देश की जनता से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो एल्विस के बारे में कोई भी राय ना बनाएं, जल्द इस मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है एल्विस यादव की इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।